अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं ज्ञान होना चाहिए। अहंकार नहीं, माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। तुम्हारा मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे पढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले। जय श्री कृष्णा।